स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल, आज हम पढ़ेंगे कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। प्रतिधारित जो आय होती है उसकी भी कुछ कॉस्ट होती है। देखिए, कई लोग ये मानते हैं कि जो आपका रिटेन्ड अर्निंग है, जो आपने वापस अपने पास कंपनी ने रख लिया, उस पर कोई कॉस्ट नहीं आएगी, वो तो अपनी ही अर्निंग है। पर ऐसा नहीं है, जैसे इक्विटी की कॉस्ट है वैसे रिटेन्ड अर्निंग की भी कॉस्ट है। अगर शेयर होल्डर वो आप दे देते तो वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करता। मैंने आपको बताया अर्निंग को या तो रिटेन किया जा सकता है, डिविडेंड के रूप में बांटा जा सकता है। जो नहीं बांटा है उसको अगर बांट दिया जाता तो वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करता, तो उसकी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। तो इसलिए कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग भी होती है। अब वापस आपने शेयर होल्डर को ना देके कंपनी में लगाया तो यहाँ से वो एक्सपेक्ट करेंगे कि हमको यहाँ से भी कुछ अर्निंग हो, कुछ मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न मिले। जो बाहर मिल सकता था वो यहाँ पे भी मिले, तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसमें कुछ चीजें आएंगी। एक फार्मूला तो पुराने वाला ही, उसमें थोड़ी एडजस्टमेंट ही करनी है, यानी कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी के जो फार्मूले करवाए हैं उसमें कुछ एडजस्टमेंट करनी है। बस उतना समझना है हमको और हमको ये टॉपिक इजीली समझ में आ जाएगा। मैंने आपको बताया कि एक तो डिविडेंड यील्ड मेथड होता है जिसके अंदर हम डिविडेंड पर शेयर ओवर मार्केट प्राइस। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कई जगह ऐसे डिविडेंड डीपीएस लिखा होता है और एमपीएस लिखा होता है, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, कई जगह लिखा होता है डिविडेंड पर शेयर, कई जगह सीधे डी से डोनेट किया होता है, एम से डोनेट किया होता है, ऐसे डोनेट किया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि डिविडेंड पर शेयर है या ये मार्केट प्राइस है शेयर। अब ये आ जाएगा सिंपल, ये आपको हमने डिविडेंड यील्ड मेथड में बताया था, उसमें एक एडजस्टमेंट करनी है। इस चीज की दो चीजों, एक तो टैक्स 1-B और 1-B, ये दो चीजों की एडजस्टमेंट करनी है, ये इसका फॉर्मूला है। तो अगर आपको डिविडेंड दे रखा है सिंपल तो ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। अब अगर दूसरा फॉर्मूला करवाया था आपको मैंने अर्निंग वाला, अर्निंग पर शेयर ओवर मार्केट प्राइस, ठीक है, ये यहां से अर्निंग पर शेयर कैसे भी लिख सकते हो आप, ये जो है इसमें भी वैसे एडजस्टमेंट करनी है। अगर इस तरीके से निकाल रहे हो, अर्निंग से निकाल रहे हो तो इसको मल्टीप्लाई करना है इस कैलकुलेशन, ये आपको गिवन होती है, 1-T कर देंगे टैक्स रेट को और ब्रोकरेज को, या कमीशन दिया है तो वो भी ऐसे एडजस्ट होता है। अब तीसरा करवाया था आपको डिविडेंड प्लस ग्रोथ, डिविडेंड यील्ड प्लस ग्रोथ वाला, उसके अंदर क्या करना है वो भी सेम। ये क्या है, D1 है, एक्सपेक्टेड डिविडेंड है, ये D1 है, फ्यूचर डिविडेंड एक्सपेक्टेड डिविडेंड है प्लस ग्रोथ। तो ये जैसे सिंपल हमने कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाली थी डिविडेंड यील्ड मेथड से, वैसे ही निकालेंगे, वो वीडियो दोबारा देख लीजिएगा। बस उसमें वापस क्या करना है, वो एडजस्टमेंट करना है। तो बात ये है कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी जैसे निकालते थे, चाहे डिविडेंड मेथड से निकालें, चाहे अर्निंग मेथड से निकालें, चाहे डिविडेंड यील्ड मेथड प्लस ग्रोथ से निकालें, तो ग्रोथ वाले से निकालें, विदाउट ग्रोथ वाले जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला का हिस्सा वही रहेगा, बस उसमें ये वाला पोर्शन है। ये क्या है, एडजस्टमेंट का है कि बाहर वो जाता तो उसको टैक्स पे करना पड़ता, उसके उसको डिविडेंड दे दिया जाता तो टैक्स पे करना पड़ता। अज्यूम करते हैं कि डिविडेंड पे टैक्स लग रहा है, कई जगह टैक्स नहीं होता है, कई जगह होता है, कर रहे हैं तो उसको टैक्स देना पड़ रहा है, और या ब्रोकरेज के खर्चे हैं तो वो अगर कहीं और इन्वेस्ट करेगा तो ब्रोकरेज लगेगी, उसका टैक्स भी कटेगा, उसको एडजस्टमेंट कर रही है। तो बाकी चीज सेम है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी ही ले रहे हैं और इसे एडजस्टमेंट कर रही है। सीधा सीधा अगर आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी दे दी, आपको के ई दे दिया, तो के ई के आगे लिख दो क्या 1-D, यानी कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी को मल्टीप्लाई कर दो, इसमें एडजस्टमेंट करना है, एडजस्टमेंट। तो ये सिंपल सी चीज है। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपको दे रखी है और पूछ लिया जाता है कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग निकालें, तो आप ऐसे एडजस्टमेंट कर देंगे, या फिर आप निकाल लेंगे और फिर एडजस्टमेंट कर देंगे। तो कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग में कुछ खास नहीं है, बस ये एडजस्टमेंट करनी है इस चीज। इसके कुछ न्यूमेरिकल करके देखते हैं, उससे आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसका न्यूमेरिकल करके देखते हैं, एक एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं। सबसे पहले हम डिविडेंड यील्ड मेथड वाला ले लेंगे, उसके बाद एक ग्रोथ वाला देख लेंगे, एक अर्निंग वाला देख लेंगे। इस तरीके से हम तीनों का एक एक देख लेंगे, इससे आपको आइडिया लग जाएगा। तो सबसे पहले एक डिविडेंड वाला लेके देख लेते हैं।
उसके अंदर आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि 15 रुपए आपका डिविडेंड है और मार्केट प्राइस मान लेते हैं यहाँ पे 110 रुपए, ठीक है। आपको टैक्स दे रखा है 30% और ब्रोकरेज दे रखी है आपको 1%। ये आपको डेटा दे रखा है, यहाँ पे क्या है डिविडेंड दे रखा है, डिविडेंड पर शेयर है ये 15, 110 मार्केट प्राइस है, टैक्स कितना है, अब फॉर्मूला लगाएंगे कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। अब इसके अंदर पहले सिंपल ये वाला जो पोर्शन है कॉस्ट ऑफ इक्विटी है जो हम सिंपल डिविडेंड मेथड से निकालते थे विदाउट ग्रोथ वाले में, अब उसमें 15/110। अब यहां पे 1-P है 30%, 0.30 आ जाएगा, ब्रोकरेज है 1%, 1-0.01 बना जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, अब इसको हम यहां कैलकुलेट करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली हमारा 9.45% आ जाएगा, ये आप करके देख लीजिएगा। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सिंपल था ये वाला पोर्शन, मैंने आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी में करवा दिया, इसमें सिर्फ ये एडजस्टमेंट की है टैक्स की और ब्रोकरेज की, उसके बाद हमारा ये आंसर निकल जाएगा, ये आप क्वेश्चन करके देख लीजिए। ये था डिविडेंड मेथड, अब बात करेंगे डिविडेंड प्लस ग्रोथ मेथड। अब उसमें मैंने आपको बताया था कि फॉर्मूला सेम रहेगा बस एडजस्टमेंट करनी है, सेम फॉर्मूला हम डिविडेंड ग्रोथ मेथड का यूज कर लेंगे अगर आपको याद हो तो, ठीक है। उसमें अंदर हमने क्या किया था कि डिविडेंड ओवर मार्केट प्राइस प्लस जी, अब यहां पे 1-T 1-B, इसी फॉर्मूला को यूज करना है। अब उसमें मैंने आपको बताया था कि जो डी है डिविडेंड पर शेयर है, मार्केट प्राइस पर शेयर है, अब ये जो है ये एक्सपेक्टेड डिविडेंड है यानी कि आगे जो मिलेगा, तो ये हम यहां पे यूज करेंगे ग्रोथ इसमें एडजस्ट करेंगे फिर ये एडजस्टमेंट करना। ये वाला पोर्शन जो है ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी वाला है जबकि ये एडजस्टमेंट वाला है, कि मान लेते हैं कि डिविडेंड एक्सपेक्टेड डिविडेंड याद रखें वो 14 है, मार्केट प्राइस शेयर का 140 है, टैक्स यहां पे लेके चलते हैं 30% और ब्रोकरेज यहां पे मान लेते हैं हम है 3%, ये हम यहां पे फिगर लेके चल रहे हैं। अब इसके अंदर हमारे सारे इंग्रीडियंट आ गए, ग्रोथ रेट और चाहिए, तो ग्रोथ रेट यहां पे हम मान लेते हैं कि 5% है, 5% ग्रोथ रेट है, टैक्स है 30%, ब्रोकरेज है 3% और हमारा डिविडेंड है 14, ये एक्सपेक्टेड डिविडेंड है और मार्केट प्राइस है 46। अब इसको फॉर्मूला में पुट करते हैं, डिविडेंड पर शेयर 14/140 प्लस ग्रोथ रेट ये करेंगे 0.05, एडजस्टमेंट टैक्स का 30% है तो 0.30, 1-B 3% ब्रोकरेज है 0.03, ये यहां पे इस तरीके से रख लेंगे। अब एक बार फिर से रिमाइंड करवा रहा हूं कि अगर आपको एक्सपेक्टेड नहीं दिया होता, पास्ट दिया होता, तो ये 5% हम यहां पे भी एडजस्ट करते, इसको भी बढ़ाते, ग्रोथ यहां पे भी एडजस्ट करते, लेकिन हमको पहले से एक्सपेक्टेड दे रखा है तो इतना करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला में पुट कर दिया। अब हमारे पास ये आ जाएगा 0.10 प्लस 0.05 तो ये 15% हो जाएगा, ये आ गया हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी डिविडेंड ग्रोथ मेथड से। अब इसमें ये एडजस्टमेंट्स करने हैं फिगर के, ये हो गया आपका 0.70, ये हो गया आपका 0.97, तो ये आपका ये सॉल्व होके आ गया। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये जो 15% है इसमें हमको ये एडजस्टमेंट करने हैं, इक्वल टू 10.1853%, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं कि फॉर्मूला आपने पुट किया, फिगर्स पुट किए, ये डिविडेंड यील्ड ग्रोथ मेथड से आपका आंसर निकल जाएगा। तो इस तरीके से आप इस मैरिकल को कर सकते हैं, इस तरीके से और एग्जांपल आप ट्राई करके देखें डिविडेंड ग्रोथ मेथड के, उसमें रिटेन्ड अर्निंग की कॉस्ट कैसे निकालते हैं वो आप करके देखें, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं।
ये मैंने आपको दोनों करवाया, डिविडेंड यील्ड मेथड भी करवाया मैंने आपको और डिविडेंड ग्रोथ मेथड भी करवाया। अब तीसरा एक अर्निंग वाला है वो और देख लेते हैं, एक सिंपल सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं, आपका आइडिया लग जाएगा। जो अर्निंग वाले में मैंने आपको बताया था कि उसका फॉर्मूला क्या है, अर्निंग पर शेयर ओवर मार्केट प्राइस, ये निकालने का फॉर्मूला है। अब उसमें क्या एडजस्ट कर देंगे, 1 माइनस बी 1 माइनस, ये फॉर्मूला भी लिखवाया था थोड़ी देर पहले, रिपीट करवा दो। अब यहां पे मान लेते हैं उनको अर्निंग दे रखी है 10 रुपए और मार्केट प्राइस उनको दे रखा है 110, टैक्स हम वही ले लेते हैं 30%, ये हमको दे रखा है, अज्यूम कर लेते हैं। अब यहां पे फॉर्मूला में पुट करते हैं 10 ओवर 110.70, ये 1 माइनस 3 है, मैंने सीधा यहां पे कर दिया 0.70। अब आप इस तरीके से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर कई बार ब्रोकरेज नहीं दे रखा है आपको, कई बार क्वेश्चन में नहीं भी होता है और जो फॉर्मूला रट के जाते हैं वो भी ढूंढते रहते हैं, तो जरूरी नहीं है ब्रोकरेज गिवन हो, इसलिए मैंने यहां पे नहीं लिखा ताकि आपको ये बात दिमाग में रहे कि कई बार क्वेश्चन में टैक्स रेट दे रखी होती है, सिर्फ ब्रोकरेज नहीं दे रखा होता, कई बार टैक्स रेट नहीं दे रखी होती और ब्रोकरेज दे रखा होता है, कई बार दोनों दे रखे होते। अब यहां पर इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, अप्रोक्सीमेटली 6.36 आ जाएगा, ये अप्रोक्सीमेटली इतना आ जाएगा, आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। ये क्वेश्चन आपने देखा, अब इसके अंदर मान लेते हैं आपको टैक्स रेट नहीं दे रखा, आपको कहा ब्रोकरेज है 3%, तो जरूरी नहीं है कि आप वो वाला करें, यहां पर इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं 1 माइनस 0.03, इसको भी निकाल सकते हैं, यहां पर फिर कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो आपके क्वेश्चन में क्या आपको गिवन है उसी से आपको सॉल्व करना है, जरूरी नहीं है कि फॉर्मूला टू फॉर्मूला आपको चलना है, सेम टू सेम आपको करना है। जितना फिगर दे रखा है वो आपको इसीलिए दे रखा है आपको टेस्ट करने के लिए कि आप कॉन्सेप्ट समझे कि नहीं समझे। कई बार मान लीजिए इसमें अजम्पशन ही है कि टैक्स ब्रोकरेज नहीं दे रखा, ब्रोकरेज लगा ही नहीं इसका, तो फिर ब्रोकरेज को ढूंढने का कोई मतलब नहीं। कई बार अगर टैक्स नहीं दे रखा, ब्रोकरेज भी नहीं दे रखा, तो ये जो चीज है इतना, यही आ जाएगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी और यही आ जाएगा कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। तो ये चीजें मैंने आपको बताई, जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाली थी हमने वही निकालनी है, उसमें बस एडजस्टमेंट्स करने हैं। ये था कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग, इसके कुछ न्यूमेरिकल आप करके देखिएगा और फिर मुझसे सवाल कर सकते।